एंड मैं आप सबको एक बार फिर से अपने वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ऐसी एक स्टैंड लाया हूँ जो कि आपका बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया से एडजस्टमेंट हो जाता है। फ्रिज और वॉशिंग मशीन और सेमी हो या फुल्ली हो, कोई भी डबल डोर या सिंगल डोर फ्रिज आसानी से उस पर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। वही मैं आपको आज बताऊँगा। एक हमारे पास गोदरेज की एक बॉक्स है, ये देखिए, एक हमारा एक स्टैंड है, ये गोदरेज स्मार्ट केयर की है, बहुत मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसी को इंस्टॉलेशन मैं आपको करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो उसके पहले मैं आपको एक वीडियो ओपन करता हूँ इस बॉक्स को। ये आपको इसकी प्राइस तो नहीं बताऊंगा, प्राइस आप जहाँ पे वॉशिंग मशीन की पार्ट वगैरह मिलती है या फ्रिज की पार्ट वगैरह मिलती है वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ना किए हों या सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ वीडियो पे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। ये हमारा, ये देखिए कि मैं पैक, ये जो है बढ़िया से इसको मैं पॉलिथीन निकाल देता हूँ। पॉलिथीन इसकी हट चुकी है, इसमें टेप वगैरह लगा होगा, इसकी मैं टेप वगैरह भी खोल देता हूँ। और इसको ओपन करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये एडजस्टेबल है, इसको इंस्टॉल करके आज मैं बताऊँगा। ये लोहे का है, ठीक है, ये लोहे का है, बहुत ही केयरफुल रहेगा, आपको 10 साल से ज़्यादा चलेगा ये स्टैंड। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सॉलिड है। इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको मैं बता देता हूँ, अभी कैसे क्या इंस्टॉलेशन होगा सारे पार्ट में बता दूँगा। इस पर आपको चार पहिए व्हील मिलेंगे, आप अगर व्हील पे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो व्हील पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आराम से, इसको अभी मैं बता दूँगा कैसे लगना है। और अगर आप एक स्थाई रखना चाहते हैं एक ही जगह, तो ये आपका एक लेग दिया हुआ है, लेग को एडजस्टमेंट करके वहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका मशीन कभी हिलेगा नहीं वहाँ से। इस पर आपको चार स्क्रू दिए हैं, देखिए ये चार स्क्रू है, चार, ये देखिए आठ स्क्रू हो गए हमारे पास, आठों स्क्रू इसमें लगेंगे, वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चारों स्क्रू को साइड पर रख देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार का रिंच लेना होगा, ये रिंच है, एसी वगैरह में काम देता है नट वगैरह खोलने के लिए, या तो आपके पास ये चीज़ हो या आपको प्लास हो। और एक और है, ये हमारा एक नोज प्लास भी है, तो इसी से इसको टाइट करके मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको देखिए देखना होगा किस पे आपका फ्रंट आएगा, ये फ्रंट है, सबसे ये गोदरेज लिखा हुआ है, हमारा गोदरेज का स्टैंड है, तो ये हमारा फ्रंट आएगा। देखिए ये दोनों बड़े हैं, बड़े साइज के हैं, ठीक, और ये दोनों छोटे साइज के हैं, तो आप समझ जाएंगे लंबाई कैसे कितनी रखनी है, चौड़ाई कैसे एडजस्टेबल होगा। साइड में रखता हूँ अलग अलग, आसानी से हाथ मुझे लग सकते हैं। ऐसे ये आपका ऐसे ही एडजस्टमेंट होगा, देखिए ये आपका लंबा रॉड है, ठीक है, यहाँ पे पेंच टाइट हो गए, किस प्रकार ये पेंच है, इस प्रकार एक यहाँ पे टाइट होगा, एक यहाँ पे पेंच वगैरह, तो आप टाइट कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलेशन कैसा होगा इसका, ये मैंने देखिए दोनों पे कर दिया है, ठीक है, अब छोटे वाले की बारी, छोटे वाले को भी ऐसे ही आपको करना होगा। भैया के येलो, देखिए मैंने इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, एक एक दोनों पे लगा दिया हूँ। अब मैं थोड़ी सी समय बचत के लिए यहाँ से वीडियो को बंद कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये चारों स्टैंड पे, ये देखिए चारों पे मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको जब आप पलटेंगे तो यहाँ पे आपका एक क्या लगेगा, ये व्हील, मैं आपको पहले व्हील्स नहीं लगाऊंगा,
सबसे पहले आपको ये एडजस्टमेंट कर देता हूँ, ये कैसे लगेगा। ये चार लेग हैं, एक दो तीन चार, चार लेग हैं। तो आपको ये फ्रंट है, देखिए ये फ्रंट है, फ्रंट ये इस प्रकार लगेगा। इसमें बहुत ही आसान से स्टैंड ये आपका कवर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही टाइट करना होगा। अब ये आई दूसरे वाले की बारी, ये वाला जो है इसमें लगेगा। ठीक, ये देखिए इतना लंबा हो गया। आपको एडजस्टमेंट करना होगा बड़ा छोटा, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं बड़े छोटे। देखिए जितना आप बड़ा करना चाहें उतना बड़ा हो जाएगा इस मेटल के हिसाब से। इसको आप टाइट कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार आपको ये छोटा वाला आपको करना होगा। जितनी लंबाई चाहिए, जितना चौड़ाई चाहिए, आप इसको ढीला और टाइट कर। अब उसके बाद ये एक लेग है, इसको करना होगा। ये देखिए हमारा आधा बन के तैयार है, बस कुछ ही क्षणों में पूरा बन जाएगा ये। उसके बाद आपको ये आपको इंस्टॉलेशन करना होगा। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब ये चौथा लेग हमारे पास है। उसके बाद ये लास्ट वाला, चौथा पार्ट ले गए। बहुत ही आराम से और हल्के हाथों से स्टैंड आपका तैयार हो चुका है, तैयार होने की कगार पे है। आपको अगर चाहिए ये लंबाई, देखिए ये हमारा फ्रंट पे आया है, फ्रंट पे है ना ये चीज़। तो ये देखिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा जाएंगे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है इस साइड से, चौड़ाई लंबाई दोनों बढ़ जाएगा। इसको आप ढीला कीजिए, ये पेंच आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ ब्लैक वाला, इसको घुमाइए। उसके बाद इसको ढीला कीजिए, देखिए अभी आपको दिख रहा था कि कितना बड़ा है और आप अभी देख रहे हैं कि कितना छोटा है। देखिए मेरे हाथों में आज समान आ रहा है, कितना छोटा है ये। आप कितना बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। अब व्हील की बारी आती है, व्हील को कैसे लगाएंगे। इसी से ये जो आपका नट है, ये आपका चौड़ाई जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ेगा, लंबाई जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ेगा। ये दोनों आपको एडजस्टमेंट, जैसे लॉक होते हैं नहीं ये पेंच, वो उसी प्रकार का है। अब ये हमारे पास है चार व्हील, बोल व्हील कसने के लिए ये हमारे पास रिंच है कुछ, ठीक है। व्हील आपको इस नट पे, देखिए चार नट बने हुए हैं, इसी पे आपको टाइट करना होगा। ये देखिए आराम से घूम जाएगा ये, ठीक इसी पे आपको कसना होगा। मैं रिंच पे कर्ज दे रहा हूँ, आप किसी की मदद से भी कर सकते हैं रिंच पाना, जो आपको पसंद आए वो आप कर लीजिए। बहुत ही आसानी से चारों पहिए को आपको टाइट करना होगा। जितना चाहे फुल करना चाहते हैं आप फुल कर दीजिए। आप ये देखिए मेरा एक हो चुका है। इसी प्रकार आपको तीनों करना होगा। तीनों अगर दिखाऊंगा तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको टाइम ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है हमारे तरफ से, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको
उसको भी करना होगा टाइट धीरे धीरे जैसे मैंने किया है। ठीक, हमारी चारों व्हील्स लग चुकी है, ये आराम से आपको मैं अभी दिखा सकता हूँ, आप कहीं से भी आप लगा ले जा सकते हैं। देखिए आराम से ये घूमेगा, आप इधर भी आराम से ले जाएंगे घूम जाएगा। अगर आप व्हील्स पे नहीं चाहते हैं, जैसे कि जैसा चाहते हैं कि व्हील्स पे हम ना रखें, हमारा बहुत हील रहा है या क्या चीज़ है, तो आपको इस वाल्व को, ये जो वाल्व लगा हुआ है ये आपको पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो वाल्व है व्हील्स पे कर नहीं रखना चाहते हैं आप, इस वाल्व को टाइट करना होगा। ये देखिए चार वाल्व्स हैं ना, तो आपको इस प्रकार से टाइट करना होगा। देखें एक इधर, फिर ऐसे, फिर अंदर, फिर ऐसे, जब तक आप कीजिए तब तक आपका व्हील्स हट ना जाए, ज़मीन छोड़ ना दे, तब तक आपको ऐसे ही टाइट करना होगा। धीरे धीरे आपको ऑन करना होगा, हमारी ज़मीन पकड़ने लगी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अंदर डालिए, इसको अंदर कीजिए, फिर अंदर कीजिए। देखिए हमारा ये ज़मीन पकड़ लिया है, स्टैंड हिलने लगा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दूसरा करना होगा। देखिए मैंने चारों, ये जो आपका रबड़ है चारों मैंने कर दिया है, अब आप मशीन को टस से मस नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। देखिए व्हील्स हमारे फ्री हो गए हैं, एकदम चारों व्हील्स फ्री हो गए हैं, अब इसको हिला नहीं सकते अब मशीन को। देखिए मैं इस पर पूरा बल रख रहा हूँ तब भी ये टूटेगा नहीं, बहुत ही मजबूत है, ये गोदरेज का है, ऐसी हर अपने अपनी ब्रांड एक बनाई हुई है, तो हमारा सबसे बढ़िया गोदरेज का मजबूत पड़ता है, बहुत ही सॉलिड है, ये पूरी लोहे का है, स्टील का नहीं है, ये लोहे का है पूरा। मैं आपको इसको साबित कर सकता हूँ, ये लोहे का है, मैग्नेट में इसमें आपको चिपका कर दिखा सकता हूँ। देखिए ये लोहे का है, ये एक चुम्बक है हमारे पास, बहुत छोटा है, नॉर्मल है, ये आपको बता देगा कि ये लोहे का है या नहीं। देखिए ये देखिए लोहे का है, ये आपको खुद ही बता देगा लोहे का है, ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है कि स्टील मिलावटी है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बढ़िया है, स्टील का नहीं है, चाहे जहाँ देख लीजिए ये लोहे का है, ये ऐसे ही आप बना सकते हैं। देखिए हमारा ये जो ब्रांड है ये गोदरेज है, ब्रांड आती है, ब्रांड की कंपनी में आती है। देखिए स्टैंड ही बहुत मजबूत है, आप फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस पर यूज कर सकते हैं, डबल डोर फ्रिज हो या सिंगल डोर फ्रिज हो, किसी पे हो सकता है, फुल्ली वॉशिंग मशीन, सेमी वॉशिंग मशीन, किसी भी आप कर सकते हैं एक स्वाइज जेड। ठीक है, तो मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो पर, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट।